राम राम दोस्तों, हलवाई चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हलवाई चैनल दोस्तों आज आपके लेकर आए ग्रीन चटनी। दोस्तों ग्रीन चटनी कैसे बनती है और इसके अंदर क्या क्या सामग्री आती है आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलते दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। चटनी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने पालक लिया, ये 2 गड्डी पालक की है, और यहाँ पर है पुदीना, यहाँ पर हरा पुदीना है 1 गड्डी, और यहाँ पर है दोस्तों हरा धनिया यहाँ पर 2 गड्डी है, हमने बारीक अच्छे से काट के ले लिया, और यहाँ पर है अदरक 50 ग्राम अदरक, और यहाँ पर हरी मिर्ची है आप देख सकते हो, यहाँ पर 200 ग्राम हरी मिर्ची है, और यहाँ पर है फुटाना दाल, ये भुंजी हुई दाल है दोस्तों सने की, आप साव तो बूंदी भी ले सकते हो या जाड़ी सेव ले सकते हो, तो और यहाँ पर है काला नमक और ये सादा नमक, यहाँ पर जीरा पाउडर है अच्छे से हमने क्रिश करके ले लिया, और यहाँ पर है दोस्तों दही। तो चलते दोस्तों हरी चटनी बना के आपको बताता मैं। यहाँ पर दोस्तों मिक्स का जार लिया हमने, उसके अंदर डाल देंगे मिर्ची अदरक, ये बहुत लाजवाब दोस्तों समोसा पैटीज ब्रेड पकौड़ा पनीर पकौड़े के लिए हरी चटनी बनने वाली है लाजवाब। तो आप अगर इस तरह से बनाओगे तो आपकी चटनी वो बहुत शानदार बनेगी। और ये देखिए हमने डाल दी इसके अंदर फुटाना दाल, इसकी जगह पर आप बूंदी या सेव भी ले सकते हो बारीक सेव, डाल देंगे इसके अंदर जीरा पाउडर, अब इसको अच्छे से पीस के ले लेंगे पहले हम। दोस्तों फुटाने दाल से चटनी वो हमारी गाढ़ी रहती है और 6 से 7 दिन तक ये हरी चटनी ख़राब नहीं होती, इसलिए हम इसके अंदर फुटाना दाल यूज़ करते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर ढोकला भी यूज़ कर सकते हो, और दही की जगह आप नींबू सत भी यूज़ कर सकते हो या नींबू भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिफरेंस करता है, दही से अच्छा टेस्ट आता है। इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से पीस के ले लेंगे। और दोस्तों हमारी फुटाना दाल है वो अच्छे से मिक्स बारीक हो गई है, इसको निकाल देंगे एक बर्तन के अंदर बाहर। ये देखिए हमने एक बर्तन लिया, अब इसके अंदर डाल देंगे, ये अच्छे से एकदम क्रिस्प और बारीक हो गई है। अब डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया, और पुदीना, इसके अंदर पुदीना डाल देंगे और इसको अच्छे से क्रिश करके ले लेंगे, यानी बारीक करके ले लेंगे एकदम बढ़िया से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा धनिया और पुदीना वो अच्छे से बारीक हो गए, अब इसको डाल देंगे एक बगले के अंदर, तो इसी के अंदर ऐड करेंगे हम। अब डाल देंगे इसके अंदर पालक, ये होटल स्टाइल में बन रही है दोस्तों, इसलिए हम इसके अंदर पालक यूज़ कर रहे हैं, यानी जो शॉप में चटनी बनती है और समोसे के ऊपर मिलती है वही चटनी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर पालक डाल दिया, अब इसको भी अच्छे से बारीक करके ले लेंगे, थोड़ा इसके अंदर पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको बारीक कर देंगे एकदम क्रिश। तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरह हम बना रहे हैं हरी चटनी, आप देख सकते हो बहुत लाजवाब बन रही है, और यहाँ पर हमारा पालक है वो अच्छे से बारीक हो गया है ये देखिए। तो इसके अंदर और हम पालक डाल दिया पूरा, ये 2 गड्डी पालक की है, आपको पूरा मेजरमेंट डिस्कशन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा हिंदी में, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। हरी चटनी एकदम हलवाई स्टाइल में आपको ये चटनी मिल रही है दोस्तों। पर पालक है वो पीस के लिए वो डाल देंगे इसके अंदर, अभी डाल देंगे दोस्तों हम दही है वो, उसको थोड़ा क्रश करके डाल देंगे ताकि खटाई के लिए हमने दही यूज किया। आप चाहो तो इसके अंदर नींबू सत नींबू या अमचूर पाउडर ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हो। इसको अच्छे से थोड़ा बारीक कर देंगे, थोड़ा ही घुमाएंगे मिक्सर को, और यहाँ पर लाजवाब बारीक हो गया है। तो यहाँ पर हमने ये दही ऐड कर दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद में इसके अंदर डालेंगे हम मसाला। तो यहाँ पर दोस्तों अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरा, तो यहाँ पर लाजवाब हमारी हरी चटनी है वो बन के रेडी हो रही है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम मसाला, अब इसके अंदर डाल देंगे सादा नमक और काला नमक, दोनों टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हरी चटनी के अंदर दोस्तों ज़्यादा कुछ मसाला नहीं आता है, सादा नमक काला नमक और धनिया जीरा पाउडर आता है बस, यही चीज़ों से हरी चटनी एकदम लाजवाब बनती है, और बाकी जो टेस्ट रहता है वो पुदीना धनिया और अदरक का स्वाद आता है।
यहाँ पर हमारी हरे चटनी बन के एकदम रेडी हो गए, आप देख सकते हो। और इसका कलर भी आप देख सकते हो, बहुत लाजवाब एकदम ग्रीन कलर आया है। तो इसी तरह आप ज़रूर बनाएं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए हमारी ग्रीन चटनी एकदम करेक्ट बन के रेडी हो गई। इस तरह आप ज़रूर बनाएं दोस्तों।